आपस में क्यों खड़ा हो गया या इतना भयंकर ढंग से आक्रामक क्यों हो गया, ये जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो लोग गुमराह कर रहे होंगे कि हमारी शक्ति कम है या हम धीरे धीरे चले जाएंगे, इनकी संख्या घट रही है और घट जाएगी, तो ये समझो इनकी संख्या नहीं घटेगी, ये आपके वोटों की संख्या घटती जा रही है, इनकी संख्या नहीं घट रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे, मुझे तो विश्वास है, मेरे को तो ईश्वर पे भरोसा है कि मन से और नेक नियत से कोई प्रयास किया जाए तो असफल नहीं होगा। तो इसलिए हम नेक नियत से मन से ये प्रयास कर रहे हैं। मैंने जगह जगह पे सरकार के नुमाइंदों को समझाने का प्रयास किया, जब मैं आपके बीच में आया था मैंने प्रयास में कर रहा हूं, लगातार प्रयास जारी है। इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं अब अति होगी है, सहन शक्ति जवाब देती है। मेरे को अभी भी ख्याल रहता है, मुझे अपराध बोध सा आता है और मैं अपने आप को बड़ा मतलब कमजोर सा महसूस करता हूं कि यार ये लोग देखो इस गर्मी में बैठे अभी तक इनका निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन विडंबना है समाज विडंबना कि जिसके पास जाड़ है उसके पास चने नहीं है और जिसके पास चने हैं उसके पास जाड़ है, ये विडंबना है समाज की। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज लड़ते आए, शायद ईश्वर हमारी कोई परीक्षा लेना चाहता है, ईश्वर भी हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। हम तो इम्तिहान हमारे पूर्वज देते आए, हम भी देते रहेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप तो